नहमदून वलैम वाल रसोलिन नबीकरीम नाज्रीन असलम आलकम वरक नाज्रीन आज की गुफ्तु में अमराज कल्ब के लिए ब्लड प्रेशर से निजात के लिए एक ख़ूबसूरत नौरानी और रूहानीआमल आपकी खिदमत में पेश करने की सदत हासिल कर रहा हूँ नाजरीन पाक हिंद में ये बीमारियाँ कॉमन हो गई हैं हर दूसरे तीसरे शख़्स में ये बीमारियाँ पाई जा रही हैं खूस शुगर ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज इनसे निजात के लिए जहाँ हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और इसके तदारक के लिए कोशिश करते हैं वहाँ हमें वज़ाइफ़ का सहारा भी लेना चाहिए नाजरीन मुसलमान को मसनू आमाल पे दुआओं पे, वज़ाइफ़ पे ज़्यादा यकीन होता है और होना भी चाहिए इसलिए इन बीमारियों का तदारुक जहाँ हम अद्वियात से करते हैं वहाँ हमें वज़ाइफ़ से भी करना चाहिए तो इसके लिए एक ख़ूबसूरत दुरुद शरीफ़ का इंतब किया है इस दुरुद शरीफ की बरकत से इंशाल्लाह न सिर्फ़ अमराज कल्ब से निजात मिलेगी बल्कि ये दुरुद शरीफ ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखेगा लो होता है तो भी पूरा रखेगा हाई होता है तो भी पूरा रखेगा नाजरीन ब्लड प्रेशर और अमराज कल्ब इन दोनों का आपस में एक गहरा ताल्लुक है इसके साथ साथ तीसरी बीमारी शुगर इसका भी इन दोनों के साथ गहरा ताल्लुक़ है चुनाचे इन तीनों के लिए ये मुबारक आमल मुफीद है शुगर का मरीज़ है तो भी इस मुबारक शरीफ से निजात के लिए कोशिश कर सकता है और अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो भी ये दुरुद शरीफ पढ़े या फिर दिल का मरीज़ है तो भी ये दुरुद शरीफ पढ़े इन तीनों में से जो भी मर्ज़ होगी उससे शिफ़ा मिलेगी अल्लाह जल्ल नू के फजल से तंदुरुस्त हो जाएगा दुरुद शरीफ पढ़ देता हूँ फिर उसका तरीका करता हूँ नाजरीन दुरूद शरीफ मरीज़ पढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात वरना कोई भी करीबी रिश्तेदार दुरूद शरीफ की जो तादाद बताई जाए वो पढ़ के पानी पे दम करके मरीज़ को दे दे मरीज़ पिए इन तमाम अमराज से निजात मिलेगी जिन अमराज का मैंने ज़िक्र किया है आप दरुद शरीफ सुन लीजिए याद कर लीजिए सही हरूफ के साथ पढ़ा कीजिए ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम क़ुरान को सीखते नहीं है। या हैं या फिर वज़ाइफ के जो अल्फाज हैं या मसनून दुआओं के जो अल्फाज हैं उनको हम सही हरूफ के साथ सीखते नहीं हैं बस जैसे तैसे पढ़ लेते हैं उसका तर्जमा तब्दील हो या फिर जो मर्ज़ी हो हमें जैसे आता है हम वैसे पढ़ लेते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए नाजरीन सीखना चाहिए मसनून दुआओं को भी सीखना चाहिए कुरान को भी सीखना चाहिए कोई भी वजीफ़ा हम पढ़ रहे हैं या शरीफ जिसका इंतखाब किया है वो हम पढ़ रहे हैं तो किसी उस्ताद से उसको सही रूफ़ के साथ सीख लिया जाए तो तर्जमा भी तब्दील नहीं होगा तासीर भी हासिल होगी वरना वो तासीर जिसके हम तवक्को कर रहे हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे अगर हम सही सहीफ़ के साथ दुरुशरीफ़ नहीं पढ़ेंगे या कोई मसनून दुआ नहीं पढ़ेंगे या कोई कुरानी आयत सही सहीफ़ के साथ नहीं पढ़ेंगे तो वो तासीर हासिल नहीं कर पाएंगे जो तासीर हमें मतलूब है तो नाजरीन दुरुशरीफ़ सुन लीजिए अल्लाम मसल سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الذكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الذكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب अल्ला सना मुहमदिनन नबी तो सलातान तुहलुबिहलका तोफ़क्ल कोबू ये दुरुज शरीफ है ब्लड प्रेशर का मरीज़ अमराज क़लब में जो मरीज़ मुबतला है वो भी या शुगर का मरीज़ इसको तीन सौ तेरह दफ़ा सुबह की नमाज़ के बाद पढ़े और अपने सीने पे दम कर ले इसके साथ साथ पानी का एक गिलास सामने रख ले उसके ऊपर दम करके पानी पी ले इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद या ईशा की नमाज के बाद भी तीन सौ तेरह दफ़ा पढ़े पढ़ कर सीने पे दम करे सीने पे फूंक मार दे इसके साथ साथ पानी पे दम करे पानी पी ले नाजरीन ख़ुद पढ़ सकता है तो तादाद 313 ही रहेगी 313 दफ़ा पढ़े तरीका जो अर्ज़ किया है उसके मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पे ये वजीफ़ा करे और अगर वजीफ़ा पढ़ने की कुदरत नहीं रखता मर्ज़ बढ़ गया है पढ़ना मुमकिन नहीं रहा या मुश्किल है तो फिर जो भी करीबी रिश्तेदार उसकी खिदमत में मामूर है उसे चाहिए तीन सौ तेरह दफ़ा यही शरीफ पढ़े उसके ऊपर दम कर दे मरीज़ के ऊपर और साथ पानी पे दम करे, पानी पीने के लिए मरीज़ को दे दे जो करीबी रिश्तेदार उसकी खिदमत में मामूर है और वो वजीफ़ा कर रहा है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि दो टाइम वजीफ़ा करे एक वक्त कर ले तो बहुत अच्छी बात है एक वक्त ये वजीफ़ा करने से भी तमाम अमराज से शिफा मिलेगी बशर्त ये कि ज़िंदगी मुकद्दर हो ज़िंदगी मुकद्दर हो तो ज़रूर सेहत याब हो जाएगा तंदुरुस्त हो जाएगा इन तमाम अमराज से शफा मिल जाएगी यही ये कि जब तक जिंदा रहेगा तब तक शुगर कंट्रोल रहेगी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा अमराज कल्ब की वजह से जिन तकालीफ़ से दो चार है उनमें कमी वाक़ हो जाएगी या ये कि मुकम्मल तकालीफ जाती रहेंगी यानी उन तकालीफ़ से निजात मिल जाएगी जिन तकालीफ़ में वो मुबतला है नाजरीन यकीन अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए इसके साथ साथ तीसरा तरीक़ा कोई करीबी रिश्तेदार नहीं कर सकता जो अफराद मरीज़ की ख़िदमत में मामूर हैं वो भी नहीं कर सकते तो फिर किसी कारी साहब से या आमिल से ये दुरुज शरीफ लिखवा लें इसके तावीज़ बनवा लें इलीस तावीज़ बनवा लें एक तावीज़ रोज़ाना पानी में हल करके यानी तावीज़ के जो हरूफ हैं वो पानी में हल हो जाए इस तरह के कागज़ पे कुछ ना रहे वो पानी मरीज़ को रोज़ाना पिला दें रोज़ाना तावीज़ आपने पानी में हल करना है इकतालीस दिन तक ये अमल जारी रखें इन शिफा मिल जाएगी नाजरीन इसके साथ साथ चौथा तरीक़ा भी अर्ज़ कर देता हूँ ताकि आप खुद ख़ुदकफ़ीर हो जाएं, आपके लिए आसान हो नाजरीन हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो आपकी नज़र कर देते हैं ताकि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें नाजरीन तावीज़ के अलावा चीनी की प्लेट के ऊपर भी इस दुरूद शरीफ को लिखा जा सकता है नाजरीन रहीम लिखें फिर यही दुरूद शरीफ लिखें चीनी की प्लेट पे, पानी से धो के वो पानी पिला दें रोज़ाना की बुनियाद पे नई प्लेट लिखनी है अगरचे प्लेट सेम हो मगर रोज़ाना नया तावीज़ लिखना पड़ेगा प्लेट के ऊपर भी रोज़ाना की बुनियाद पे लिखकर मरीज़ को पिलाएं या लिखवा लें जो आपको आसान लगे इन चार तरीक़ों में से वो तरीक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि चारों तरीके इस्तेमाल करने हैं कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं हज़रत हम पढ़ नहीं सकते तावीज़ बनवा सकते हैं प्लेटें लिखवा सकते हैं तो जो पढ़ नहीं सकता वो तावीज़ लिखवा ले प्लेट लिखवा ले प्लेटें इस्तेमाल करें तावीज़ात इस्तेमाल करें नाजरीन आज की ख़ूबसूरत वीडियो में बस इतना ही मेरे रब से दुआ है कि तमाम मुसलमान जहाँ भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं अल्लाह सबको शिफा अता फ़रमाए बाशमूल पाक हिंद हस्पतालों में घरों में या फिर जहाँ जहाँ कोई मरीज़ है अल्लाह सबको तंदुरुस्त रखे शिफा दे दे और उन तकालीफ से निजात दे जिनमें वो मुब्तला है अकूल को लिहादा वस्तकफिरल्ला व आखिर दावाना अनिलहमदिल्लाबालमीन